गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग प्रैक्टिस ऑफ आवर सब्जेक्ट। लेट मी टेल यू हाउ मेनी प्रॉब्लम्स यू हैव सॉल्वड ऑन योर ओन, वेदर इट इज फ्री हैंड, वेदर इट इज विथ इंस्ट्रूमेंट। आज तक कितने प्रॉब्लम्स ड्रॉ किए हैं मुझे बताओ जरा। सर आपने वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वाला पीपीटी शेयर किया है ना, उसमें जो है ना वो डाइमेंशंस विदाउट डाइमेंशंस का यूज ऑफ कर दिए हैं। ओके अच्छा, सब लोग चैट बॉक्स में डालो कि मैंने 10 किए, मैंने 2 किए, मैंने 3 किए, वेदर इट इज कलर्ड और नॉन कलर्ड डजंट मैटर, बट चैट बॉक्स में डालो कितने आपने किए सॉल्व। Mayur Patil is saying 7. Okay. See, out of 33, abhi start ho gaya. 8, 10, 15, good. 10, good. Good, good, good. 10, color 10, okay. 15, theek hai, very good. 13, theek hai. 9, 11, 9 colored. Okay, good. Means few of you are doing it. आप में से कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं. That is really an satisfying thing. 54 वैष्णवी. अरे आपने attendance दे रहे हो क्या आप वैष्णवी? वैष्णवी are you there? Yes, sir. अच्छा आपने 54 प्रॉब्लम सॉल्व किए या अटेंडेंस दे रहे हो? सर अटेंडेंस मुझे लगा कि हॉस्पिटल में हुआ सर इसीलिए। अच्छा अच्छा क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है? हाँ सर। क्या बोले सर? तबीयत ठीक नहीं है आपकी? हाँ सर। ओके टेक केयर बेटा। चलो शैल वी स्टार्ट 30? यस सर। चलो यस सर है। चलो लेट अस स्टार्ट। कैन यू सी दिस? आई थिंक आज डेट क्या है, 8 है ना? ठीक है चलो लेट अस कंसीडर दिस व्हाट वी कैन से दिस लेक्चर एज एन आवर लास्ट लेक्चर फॉर द ऑर्थोग्राफिक। ठीक है बिकॉज लेट अस कंसीडर दिस मंथ एज एन लास्ट मंथ फॉर द टीचिंग। सो वी विल हैव टू टच टू ऑल द पॉइंट्स, वी विल हैव टू टच टू द ऑल द यूनिट्स, इजंट इट? सो दैट लेट अस consider this unit as an or this problem as an last problem of the unit. ठीक है तो अगर किसी को by chance doubt वगैरह आया गलती से, ठीक है तो that we will consider or we will solve that doubt personally. अच्छा ये पहला वाला था, उसके बाद हमने हाँ ये वाले किए ना। चलो मैं इसको ले लेता हूँ। ओके डन। चलो बताओ मुझे अभी एल डब्ल्यू एच कितना रहेगा, व्हाट विल बी द एल डब्ल्यू एच? दिस इज इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट इजंट इट? थोड़ा बढ़िया ऑब्जेक्ट ये, बोलो एल कितना रहेगा? सो दिस इज अवर एक्स डायरेक्शन, एल कहां से कहां तक? ये वाले एंड से ये वाले एंड तक, दैट इज व्हाट इज अवर एल। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस? सी this radius plus plus this to this radius, isn't it? And then radius of the circle. So these are the additions, that is what you are going to do. So how much is this radius? 30 oh 90 30 plus this is 40, isn't it? And plus इसका रेडियस कितना है? अरे दिया ही नहीं है। अच्छा ग्राफिक्स में ये बहुत होता है, कोई किसी ऑब्जेक्ट में कोई कोई डायमेंशन दिया ही नहीं होता है, ऐसा होता है मतलब
सच में ऐसा होता है, और कभी कभी क्या होता है कि हमें उसका रेफरेंस पता नहीं चलता, दिया होता है बट हम मतलब हम नजरअंदाज कर जाते हैं उस डायमेंशन को, तो वैसा नहीं है यहाँ पर दिया है, तो बताओ कितना है। इट इज 60 डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज दिस इज व्हाट इज द डायमीटर ऑफ इट, इजंट इट, सो 60 डिवाइडेड बाय 2 इज अगेन 30, सो कितना हुआ, लेट मी चेक वंस अगेन, इसका रेडियस 100, यस, इसका रेडियस बाद में यहाँ से ऊपर चले गए, यहाँ से यहाँ तक 40 एंड देन 30, सो एल इज 100। नाउ हाउ मच इज द डब्ल्यू, श्योर शॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड 80, यस, एंड हाउ मच इज द एच, सन्नाटा, वेरी गुड, सी एच इज 60 प्लस दिस हाइट इज 36, 136, यस 36 प्लस 40, ओके सो इट इज 136, डन, सो दैट इज व्हाट इट इज। अच्छा स्टॉप शेयर जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मोमेंट, नाउ कैन यू सी द स्क्रीन, नो सर, नो सर, नो सर, जस्ट अ मिनट, क्या हो गया इसको, अच्छा नाउ यू माइट बी ऑब्जर्विंग इट, इवन इट, यस यस सर, सो यस सर, वो लेंथ इसीलिए वो मुझे बताओ ना एक बार, अच्छा 30, सी 30 पहले वाले 30 कुछ लिया, यहां से यहां तक इसका रेडियस 30, ठीक है, बाद में यहां से वॉक करते हम लोग ऊपर चले गए, यहां से यहां पे ऊपर गए, तो ये वाले एंड से ये वाले सेंटर लाइन तक 40 है, isn't it, it is over there 40 and plus आगे वाला radius, तो आगे वाला radius indirectly दिया है 60 divided by 2, so that is 30, आया समझ में, yes sir, very good, so L is how much, L is 100 na, yes L is 100, so let us draw offset of 20 mm, then a line again offset of 20 mm, fillet, ठीक है, offset of 100, okay, and offset of how much is the h, h is 136, 136, okay, done, we are done with the front, अच्छा यहाँ पर भी fillet करना पड़ेगा, okay, we are done with the front view imaginary box, then we will take the projections, mirror, अच्छा AutoCAD की practice कितने लोग कर रहे हैं, मैं ऐसे करके बोलो, कोई भी नहीं, okay, कोई दिक्कत नहीं, I hope you are getting what I am doing. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं imaginary box draw कर रहा हूँ, सारे जो हमारी procedure है वो procedure को stick रहना है हमेशा, उसके बाहर जाना नहीं है, though you are doing it what we can say free hand या फिर with instrument, जो procedure है उसी से वो ही follow करना है, उसी से आगे बढ़ना है, ठीक है, Now we are done. इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका,
ठीक है, वी ऑल आर सेट फॉर द ऑब्जेक्ट नाउ. ओके नाउ टेल मी व्हाट इज अवर फर्स्ट नेक्स्ट थिंग. नेक्स्ट थिंग इज दैट वी डू ड्रॉ ऑल द सेंटर लाइंस. अच्छा इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं. हम लोग पहले क्या करते हैं, सारे सेंटर लाइंस ड्रॉ करते हैं. तो बताओ मुझे अभी सेंटर लाइंस कहाँ कहाँ पर होगी. सबसे पहले फ्रंट व्यू में लेफ्ट हैंड साइड से 30 mm, isn't it? ऑफसेट ऑफ 30, ठीक है. देन बॉटम से भी 30, ओके डन. देन राइट हैंड साइड से 30 mm अगेन, सो ऑफसेट ऑफ 30, ठीक है. वी आर डन नाउ. देन इन द टॉप व्यू सेम, इन्हीं के प्रोजेक्शन भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है. एंड देन वन मोर सेंटर लाइन वी विल नीड विच विल बी फ्रॉम द सेंटर, ठीक है. और एक इसी को भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, ठीक है. नाउ आई एम कन्वर्टिंग ऑल दिस इनटू द सेंटर लाइंस. डन. अब कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना, तो मैं अदरवाइज मैं क्या करूंगा, कुछ अनवांटेड जो है वो डिलीट ट्रिम कर दूंगा. ठीक है. अब देखो यहाँ पे अभी हम सारे सेंटर लाइन्स हमने ड्रॉ कर लिए. अब क्या, जितने ज्यादा सर्कल हो सकते हैं उतने ज्यादा सर्कल्स ड्रॉ करके लेना है. सो विच इज अवर फर्स्ट सर्कल. अवर फर्स्ट सर्कल इज द मिनिमम रेडियस. मिनिमम रेडियस इज 10, which can be seen in the top view. So, circle of diameter 20. Okay? बराबर जा रहे हैं ना? Circle of diameter, अच्छा मैंने center point दिया ही नहीं, circle of diameter 40, ठीक है? And then circle of diameter say 60. डन. अच्छा कुछ तो गड़बड़ है, ये डायमेंशन कुछ तो गलत हुआ है. अच्छा ये 100 बराबर है, ये भी बराबर है. पिछले सर्कल का सर मिनिमम सर्कल का सेंटर पॉइंट बराबर नहीं लिया है क्या? हाँ बराबर है, दैट इज व्हाट यू आर करेक्ट. सारे शायद सेंटर लाइंस गलत हुए हैं. यस देखो बंदे ने बराबर पहचान लिया, वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट बेटा, आपने अच्छे से पकड़ा. इसे कहते हैं एक इंजीनियर की नजर, ठीक है, वेरी गुड. चलो कुछ किसी को तो भी कुछ तो भी समझ में आ रहा है, आई एम ग्लैड, वेरी गुड, ठीक है. अब कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक है. तो टॉप व्यू के सेंटर लाइन सॉरी सर्कल्स हो गए. अब फ्रंट व्यू में, अब देखो फ्रंट व्यू में कौन सा है, एक 30 वाला है और एक 60 वाला है. सो लेट अस ड्रॉ इट. डायमीटर 30, यस, अगेन वन सर्कल, सो डायमीटर 60, डन, ठीक है. अब हमें देखना है कि सारे सर्कल्स हो गए या नहीं. यस वी आर डन विद द सर्कल्स. नाउ विच व्यू वी कैन फिनिश इजिली और इमीजिएटली. सो वी कैन फिनिश टॉप व्यू इमीजिएटली, ठीक है. तो चलो टॉप व्यू पहले खत्म कर देते हैं. सो फॉर दैट व्हाट वी नीड, ये वाला रेक्टेंगल हमें नजर आएगा बराबर, बाद में इसके प्रोजेक्शंस हमें नजर आएंगे. ओके तो इसको मैं अभी यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ. देन यहाँ से यहाँ तक लाइन, यहाँ से यहाँ तक लाइन, ओके. एंड देन दिस होल, हाउ दिस होल विल बी, ऑब्वियसली इट विल बी हिडन, इजंट इट. So, उसे हम लोग हिडन बना देंगे. जस्ट अ मिनट, वेरी गुड, ठीक है. तो डन. सो टॉप व्यू में ये वाला जो रेक्टेंगल है, ठीक है, विच इज ऑफ 80 by 60, दैट वी हैड ड्रॉन अनदर टू लाइंस ऑफ हिडन दिस पर्टिकुलर होल, दैट इज व्हाट वी हैड ड्रॉन. Next is we need to draw the what we can say rib.
बट रिब का एंड पॉइंट हमें पता नहीं है अभी, तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। देन एक और पोर्शन है यहाँ पर, तो वो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो कैसा है, यहां से सेंटर लाइन तक, ओके। एंड अवर फंडा, क्या फंडा था हमारा, इफ सेंटर लाइन इज गेटिंग ओवरलैप्ड विद द कंटिन्यूअस लाइन, व्हाट वी ड्रॉ, वी ड्रॉ द कंटिन्यूअस लाइन। सो दिस इज व्हाट इज द कंटिन्यूअस लाइन, ठीक है। नाउ आर वी डन विद द टॉप व्यू, नो, दिस रिब इज रिमेनिंग, बट स्टिल दैट वी कैन ड्रॉ लेटर वन, ठीक है। हम लोग थोड़ा वो बाद में ड्रॉ करते हैं ऊपर से प्रोजेक्शंस लेके। अब क्या हम लोग करेंगे, अच्छा बताओ कुछ और बाकी है क्या टॉप व्यू में? सर 60 का सेमी सर्कल है, 60 का सेमी सर्कल है, नहीं ना भाई पूरा है ना, ये वाला बोल रहे हो ना आप, पूरा है ना वो? यस पूरा बने, ये वाले साइड पे सेमी सर्कल शायद आपको नजर आ रहा होगा वो वाले साइड पे, बट यहाँ पर भी तो सर्कुलर पोर्शन है ना। यस सर, ओके। चलो तो अब जाते हैं हम लोग फ्रंट व्यू में, ठीक है। इट इज गुड, ऑल ऑफ यू आर कंट्रीब्यूटिंग, दैट इज रियली एन गुड साइन। मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है कि दो इट इज एन ऑनलाइन सेशन और ग्राफिक्स का सेशन, बट स्टिल यू पीपल आर कंट्रीब्यूटिंग, सो दैट इज रियली एन व्हाट वी कैन से मोटिवेटिंग थिंग। चलो अब यहाँ से ऊपर 36, सो लाइन ऑफ 36 डन। देन वो लाइन कहाँ तक है, वो लाइन पूरे एंड तक है, ठीक है। अगेन यहाँ से 20 mm, सो ऑफसेट ऑफ 20, और यहाँ से भी 20 ही है, डन। एंड देन वी विल बी ट्रिमिंग द अनवांटेड लाइन, हम लोग ये एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, डन। और यहाँ पर क्या होगी, ये लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नाउ ऊपर कितना है डायमीटर, 40, सो ऑफसेट ऑफ 20 ऑन ईच साइड, ठीक है। एंड बॉटम में कितना है, 60, ये वाला कितना डायमीटर है, 60 डायमीटर, ओके। सो ऑफसेट ऑफ से फॉर एग्जांपल 30 ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर 30 बराबर बॉक्स के ऊपर आ जाएगा, सो इट विल लुक लाइक दिस, इजंट इट। इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे खींच लेंगे, थोड़ा सा ऊपर खींच लेंगे, डन। अब अंदर वाला जो होल है, इट इज एट 20 mm, सो ऑफसेट ऑफ 10, ठीक है, इसको हम लोग ट्रिम कर देंगे। अभी फिलहाल मैं सिर्फ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहा हूं, आई एम नॉट ड्रॉइंग द सेक्शनल फ्रंट व्यू, ठीक है। आर वी डन विद द फ्रंट व्यू, नो नॉट येट, सो सर रिब, यस रिब इज रिमेनिंग, सो टेंजेंट, ये वाले सर्कल को टेंजेंट, डन। सो वी आर डन नाउ, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये रिब के प्रोजेक्शंस लेने हैं, सॉरी हाँ एंड पॉइंट से बराबर है, ओके okay, इसका कलर चेंज कर देंगे। एंड देन व्हाट इज द विड्थ, विड्थ इज 12 mm, सो ऑफसेट ऑफ 6, ऑफसेट ऑफ 6, ट्रिम, ओह जस्ट अ मिनट, ठीक है। और ये लाइन कौन सी है, दिस इज कंटिन्यूअस लाइन, ओके। और यहां पर हमें क्या चाहिए, आर्क चाहिए, सो चाहिए, जरा गंदा दिख रहा है, थोड़ा सा अच्छा वाला ड्रॉ करेंगे, ठीक है, डन। इसको मिरर करते हैं, डन, ओके। नाउ टेल मी, आर वी डन विद द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू,
चलो यस नो समथिंग इज रिमेनिंग इन द टॉप व्यू टेल मी व्हाट इज दैट The hidden lines of 20 width. Exactly. Very good. ये जो 20 width है ना, तो यहाँ पर एक surface है, तो वो surface का कुछ तो reflection यहाँ पर आना चाहिए ना top view में. So that we need to draw. So let us take the projections from here. ठीक है, projections ले लिए, इसको मैं अच्छा ऐसे बना लेता हूँ. अब बताओ ये projections कहाँ पर है? ये 60 के अंदर है. ठीक है, तो जो 60 के बाहर वाला पोर्शन है उसको हम लोग ट्रिम कर देंगे. ठीक है, और ये लाइन अब कैसी होनी चाहिए? हिडन. डन. नाउ इट इज डन. ओके, तो ये जो हिडन लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब एग्जाम में ऐसे ही होगा, ये वाली हिडन लाइन नहीं दी होगी और आपको ऐसे चार ऑप्शन रहेंगे. ठीक है, तो आपको पकड़ना है कि सही ऑप्शन कौन सा है. And that is what is the most difficult thing. अगर आप practice नहीं करोगे तो. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अच्छा, ये वाली center line यहाँ पर चाहिए. अब हमें क्या side view में सबसे पहले क्या नजर आएगा? A rectangle which is of 80 by 60. Isn't it? अच्छा गड़बड़ हो गई. ठीक है, देन द इनर होल विच इज ऑफ 30 एम एल. सो यहां से मैं प्रोजेक्शंस ले रहा हूं और बाद में ट्रिम कर रहा हूं. एंड दीज आर नथिंग बट द हिडन लाइंस. ठीक है, ओके. देन रिब है, चलो रिब को भी बाद में ड्रॉ करते हैं. देन ये वाला प्रोजेक्शन. ठीक है, तो यहां से कितना है? 60 है. सो 30 ऑफसेट 30. ओके, डिलीट लाइन, डिलीट. ठीक है, नाउ ऊपर जो ये कैप वाला पोर्शन है वैसा. सो ऑफसेट ऑफ 10 है ना, नहीं 20, 40 वाला हमें चाहिए. और नीचे ऑफसेट ऑफ 30. सो इट विल बी ओवर हियर ओनली. ठीक है, सो लाइन डन. नाउ the hole. Okay, तो hole कितना है? 20 mm का. So offset of 10. ठीक है, और वो कहाँ तक है? वो यहाँ तक है. ठीक है, and what it is an hidden line obviously like this. Okay, unwanted trim kar denge. Theek hai, okay. Now what is remaining? Rib. Acha baba, now what is remaining? Rib. Theek hai, to ye rib kahan se hai? Yahan se hai. And what is the end point? End point is starting from here, like this. ठीक है, rib का dimension क्या है? 12. So offset of 6. ठीक है, trim यहाँ से यहाँ तक trim करना है. And what it is? It is a continuous line. ठीक है, और इसे हमें क्या करना है? आर्क ड्रॉ करना है. अच्छा, इसका कलर चेंज कर देते हैं बेसिकली.
because that is a reference line what we had drawn. Okay, now are we done with the side view? Tell me. Bolo, are we done with the top view? Sorry, side view. अच्छा चलेगा यार meeting खत्म हो गई थी. Are you there, all of you? Yes sir. Okay. So हो गया क्या side view? नहीं. तो क्या बाकी है? See, ये वाला जो projection हमने यहाँ पे hidden लिया था, ये वाला, ठीक है? उसी का रिप्लिकेशन यहाँ पर ड्रॉ करना होगा ना हमें, सो दैट इज व्हाट इज रिमेनिंग, ठीक है? सो लेट अस ड्रॉ इट. सो लाइन फ्रॉम हियर, अगेन लाइन फ्रॉम हियर, हियर टू हियर, एंड हाउ इट विल बी? इट विल बी अ हिडन लाइन. ओके, so this is nothing but the hidden line. ठीक है, so now I think we are done with it. Is it? Yes. Okay, but what yes, we are sir. Done with? We are done with the orthographic projection. Now what we need to draw? We need to draw the sectional front view. तो बहुत बढ़िया है, sectional draw करना मतलब बहुत आसान है. ठीक है, तो मैं यहाँ से ये एरो कॉपी कर लेता हूँ. अच्छा बाय द वे, ये एरो नहीं रहेगा ना तो एक एक मार्क कट होता था आपका, तो हमें मार्क्स अभी ठीक है. चलो अगर एग्जाम में एरो नहीं है ना तो भी इम्पोर्टेंट है, ये एरो इम्पोर्टेंट है, ये कटिंग प्लेन इम्पोर्टेंट है. ठीक है, सो यहाँ से व्हाट इज द कंसेप्ट? हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से कट किया है, दिस इज द पार्ट नंबर वन, दिस इज द पार्ट नंबर टू, एंड इसको रिमूव कर दिया और ये वाला बचा हुआ है. ठीक है, तो अभी हम लोग इससे ऑब्जर्व करेंगे और ऊपर हैचिंग लाइंस ड्रॉ करेंगे. तो उस लिए व्हाट इज आवर फंडा? आवर फंडा इज देयर आर नो सेंटर लाइंस, सॉरी नो हिडन लाइंस इन द सेक्शनल व्यूज. ओके, देन देयर आर नो इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, लाइंस के इंटरसेक्शन है ही नहीं उसमें, सो दीज विल बी डिलीटेड. And this portion will be also trimmed. So now we can do the hatching. Okay. And how much it was? I think it was 5. नहीं, अच्छा इसको match properties कर दिया. 30 था sir. हाँ 30 था, बराबर. Done. Now we are done. ओके okay. अच्छा क्या बाकी है? डाइमेंशनिंग बाकी है, तो थोड़ा बहुत डाइमेंशनिंग कर लेते हैं. ठीक है, 80 वाला कर दिया. देन सर यस, रिबला पण हैच लाइन इन ना? हाँ, रिबला हैचिंग लाइन नाही येणार. का नाही येणार? आपण एक रूल पाहिला होता ना सर, रिबला हैचिंग नाही करायचं म्हणून. हाँ हाँ, तर त्या रूल मुळे त्याला हॅचिंग लाइन आपण नाही करणार. ओके सर, बट एज अन कॉन्सेप्ट यस, त्याला पण हॅचिंग येईल, बट आपण नाही करत रिबला. सर तो कटिंग झालेला आहे एरो, तो चुकीचा नाही? चुकीचा नाही असं म्हणतोय, तर चुकीचा आहे असं म्हणतोय. अच्छा, दिस एरो यू कैन ड्रॉ इन टू वेज, इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो. जस्ट अ मिनट, क्या होता है? इसको आप ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो. वो नहीं सर, स्पेस चाहिए ना उसके बाद. क्या चाहिए? यहाँ पे स्पेस चाहिए और एक लाइन चाहिए और बाद में, और वो लाइन भी बोल्ड थोड़ी लाइन चाहिए, बराबर है. यस यस, बढ़िया यार, आप लोगों को सब समझ में आ रहा है.
दैट इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग. गुड, चलो बराबर है, आपने सही पकड़ा. तो यहाँ पर एक और एक लाइन चाहिए और बाद में आप ड्रॉ कर सकते हो. वेरी गुड. बट आप एरो को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो और जैसे मैंने पहले ड्रॉ किया वैसा भी कर सकते हो. ठीक है. और बोलो, अभी कुछ डाउट है इसमें? सर वे एरो क्यों लगाते हैं? एरो क्यों लगाते हैं? वेरी गुड. सी, पता कैसे चलेगा ऑब्जर्वर को? अभी मैंने ये, मैं डिजाइनर हूँ, ठीक है, मैंने ये ड्रॉइंग बना के आपको भेज दिया, इसको कट कैसे किया ये पता कैसे चलेगा? तो वो, और कट करने के बाद कौन से ऑब्जेक्ट को देखना है ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए एरो है. तो मतलब क्या होगा कि इसको, इस सेंटर, इस ऑब्जेक्ट को इस सेंटर लाइन के थ्रू कट किया, ऑब्जेक्ट नंबर वन, ऑब्जेक्ट नंबर टू, ये स्प्लिट हो गया है ना बेसिकली. सो दिस इज पार्ट नंबर वन, पार्ट नंबर टू. तो जिस एरो डायरेक्शन में हम लोग देख रहे हैं उसको, उस ऑब्जेक्ट को रखना है और इस ऑब्जेक्ट को फेंक देना है, ऐसे. That is what is the concept. और सर हैचिंग जो करते हैं? हैचिंग क्यों करते हैं? हैचिंग बेसिकली जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को कट करते हैं, यहाँ से हमने कट किया, सो वी आर गोइंग टू कट इट बाय 100. तो 100 से कट करने के बाद जो सरेशंस उसके ऊपर आते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, दैट इज वॉट इज द इंडिकेशन विच इज वी आर डूइंग बाय द हैचिंग. उसे मैकेनिकल टर्म्स में डायरेक्शन ऑफ ले ऐसा कहते हैं. ओके बोलो, और कुछ डाउट है? इफ नो देन वी विल स्टॉप ओवर हियर एंड वी विल एंड दिस यूनिट ओवर हियर. ये यूनिट बहुत बड़ा है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं. आपने देखा होगा गूगल क्लासरूम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मैंने अपलोड किए हुए हैं. आज एक ऐसा ही जो फिगर्स है ना वो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो उसमें से आप प्रॉब्लम्स ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? शैल वी स्टॉप? अगर कुछ डाउट नहीं है तो हम लोग रुकते हैं फिर. सर यस सर, इसलिए तो ऑल्टीन भेजो ना, यूट्यूब पे अपलोड करो ना. अरे भाई, हर रोज मैं अपलोड कर रहा हूँ, कोई देखता नहीं है. ये क्यों आप बोल रहे हो कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? नहीं सर, मैंने दो दिन से लेक्चर नहीं किया ना तुम्हारा, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया है. अच्छा, इसलिए आपको लगता है कि सर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं? तो सर को इनकम नहीं, सब्सक्राइब किया है सर मैंने ऑलरेडी. अच्छा, तो डेली मैं कर रहा हूँ डेली. अच्छा, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट. हाँ, एक मिनट है हमारे पास. सी, अगर यूट्यूब के ऊपर जाते हैं देन योर वीडियोस, ठीक है, डेली में अपलोड कर रहा हूँ डेली. सी, दिस इज ग्राफिक्स 18 वाला लेक्चर कब पब्लिश किया? 7 तारीख को पब्लिश किया, मतलब कल. और कितने लोगों ने देखा? 6 लोगों ने देखा, सिर्फ 6 लोगों ने देखा. देखो, हर रोज में पब्लिश कर रहा हूँ हर रिकॉर्डिंग, बट आप देख ही नहीं रहे हो, अभी क्या करें, ठीक है? तो ये सब कुछ पूरा रिकॉर्ड आता है यहाँ पे, कितना ये देखा हुआ है, या फिर कितने बार देखा हुआ है, कितने सेकंड्स के लिए कौन सा वीडियो देखा है, टाइम, सब बहुत डिटेल आता है ये यूट्यूब में. तो बहुत आपको तो पता है, आप लोग यूट्यूब देखते हो, ठीक है? चलो, लेट अस स्टॉप नाउ. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. बाय सर. बाय. थैंक यू सर. बाय सर. बाय बाय. थैंक यू सर. बाय बाय.